अच्छा तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने क्या किया इस इक्वेशन को टी की वैल्यू बढ़ा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है इक्वेशन को। किस तरीके से अरेंज करूंगा, देखो मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन, तो इस इक्वेशन को उठा के मैं इस तरफ ले जाऊँ क्योंकि नेगेटिव में मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख दो, एम वन जी साइन ऑफ थीटा, और इसको उठा के इस तरफ ले आया माइनस ऑफ एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए ऑलरेडी था ये उठ के इस तरफ आया प्लस ऑफ एम बाय ए। तो मुझे एक्चुअली में निकालना क्या था, एक्सेलरेशन निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख दो, अब मैं एम वन साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ एम टू दोनों में कॉमन आया जी, तो यहाँ पे एम टू प्लस ऑफ एम वन दोनों में कॉमन आया ए, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना था, एक्सेलरेशन मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एम वन साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ एम टू इंटू जी अपोन एम वन प्लस एम टू, दिक्कत नहीं कोई लिखने में, पॉजिटिव वैल्यूज है दोनों की दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर मिल जाती है तो टेंशन फिर नेक्स्ट काम रहेगा, वैल्यूज हमारे पास सारी गिवन है न्यूमेरिकल में, तो एक्सेलरेशन विल कम सो टू बी। एक्सेलरेशन में क्या बोला गया हमें, एम वन मास देखो कितना है 3 kg, 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा थीटा एंगल कितना बोला 30 डिग्री का बोला हुआ, माइनस ऑफ एम टू, एम टू मास बोला 1 का, जी जी की वैल्यू 9.8, क्योंकि हमें गिवन कुछ भी नहीं है। अगर इसमें बोला होता कि जी की वैल्यू को सब्सिट्यूट करो 10, तब हम इसमें 10 सब्सिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे गिवन कुछ नहीं है, तो हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे, ओनली 9.8 डिग्री का सब्सिट्यूट करेंगे, डिवाइड बाई एम वन 3 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ए विल कम्स आउट टू बी 3 इंटू कितना बन जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1/2 माइनस ऑफ 1, ठीक है, इंटू 9.8 होल डिवाइडेड बाय 4। तो एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 1 9.8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके फिर बन जाएगा ए इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4। इस इक्वेशन को मैं इसलिए रहने देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले मैंने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बना लिया कि कैसा फॉर्मूला बनेगा, तो उसके बाद मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी, ए बन जाएगा मेरे पास 3 - 1 2 अपॉन 2 इंटू 9.8 अपोन 4, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, 3 - 2 तो यहाँ पे बन जाएगा 3/2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3/2 4 का 8 इंटू 9.8, ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू, ठीक है। आप लोग इसको एक्चुअली में कैलकुलेट कर लेना, बट विद द वैल्यू राइट हियर दे रहे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस सारे के सारे न्यूमेरिकल को सोल्व किया, क्या निकला आपने, एक्सेलरेशन। लेकिन हमें दो चीजें पूछी हुई थी, क्या क्या, एक्सेलरेशन एज वेल एज द टेंशन। अब देखो टेंशन के लिए मेरे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में दोनों में टेंशन आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ए की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू इजिली गेट दैट ऑफ टेंशन, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपकी कैलकुलेशन जो हो मिनिमम से मिनिमम हो, तो उस कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए आपने क्या किया, ये छोटी सी इक्वेशन चूज की, क्योंकि पहले इक्वेशन नंबर 2 देखते थे, तो उसमें साइन और थीटा एंगल भी इन्वॉल्व था, तो आपको लेंथी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन ये वाली है आपकी इक्वेशन जो वो छोटी है, ठीक है, इक्वेशन छोटी है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके टेंशन का यूज कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, ये जो इक्वेशन लिखी है टी इक्वल टू एम टू, एम टू की वैल्यू मेरे पास 1 थी, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मैंने अभी निकाली 1.2 प्लस ऑफ एम टू की वैल्यू है 3, सॉरी एम टू की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर ही है, ठीक है, इन टू जी यानी कि 9.8। ऑन कैलकुलेटिंग ऑफ दिस वैल्यू यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट इज 11.02 न्यूटन। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इनके ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने ये करना है, इन क्वेश्चंस को रेजोल्यूशंस अच्छे से देखना है कि किस तरीके से रेजोल्यूशन होती है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, ठीक है, किसी भी तरह कॉल कर सकते हो आप लोग।